नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भालविया। कपूर करेगा मालामाल, धन धान की कमी होगी दूर, बस करना होंगे ये उपाय। कपूर को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही नजरिए से काफी अच्छा माना जाता है। घर में कपूर की महक से माना जाता है कि घर में बुरी ताकतों का असर नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि कपूर के आसपास रहने से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। कपूर से होने वाले फायदे तो बहुत हैं। आज हम आपको उन ढेरों फायदों में से कुछ फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसको करने से आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक अगर आप अपने आराध्य देवी देवता का पूजन, हवन या आरती कपूर से करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। आपके घर में धन वैभव व खुशहाली का वास होता है। अस्वस्थ शरीर से हमारे आसपास का माहौल भी अस्वस्थ होने लगता है और हमारे बीमार रहने का सीधा असर हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। इससे बचने के लिए आपको इस बार एक उपाय को ज़रूर आजमाना चाहिए। घर के बेडरूम एवं जिस कक्ष में बच्चे सोते हैं वहाँ शाम के समय कपूर जलाना है। इस कपूर से उत्पन्न होने वाला धुआं पूरी रात घर के सदस्यों पर बना रहेगा। ये पूरी रात आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और रोग उत्पन्न नहीं होने देगा। ये घर के वास्तु दोष को भी कम करता है। रोज़ाना सूर्यास्त के समय घर में कपूर जलाएं। इस जलते हुए कपूर को घर के हर कोने में ले जाएं ताकि इसकी महक घर के सभी कोनों में फैल जाए। इसके अलावा दिन में किसी एक समय तुलसी के पेड़ के पास या घर के मंदिर में भी कपूर जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वो सदा आपके घर में ही वास करती है। तो ये हैं कुछ कपूर के आसान से उपाय जिनकी मदद से आप अपने परिवारजनों को स्वस्थ भी रख सकते हैं, साथ ही साथ आप देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर धन धान्य में भरपूर भी हो सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।